के खिलाफ देश में हिंसा बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हाँ डांटते हैं, क्यों नहीं डांटेंगे भाई, उनका पूरा हक बनता है क्योंकि हम उनकी बीबी हैं। आपको कभी कभी मार दे पीट दे तो कोई गुनाह नहीं है? ना कोई गुनाह नहीं, इसलिए कि मेरा सब पूरा तो कर ही रहे, हमें क्या चीज का गुनाह है। औरत औरत है, मर्द मर्द है, लैंग्वेज से ही पता चल जा रहा है कि औरत नीचे और मर्द मर्द है, ये होता है, तो हिसाब से रहना पड़ता है। आपके पति से भी गलती होती होगी कभी कभी आपकी नजर में? काहे नहीं, लेकिन मेरा हक नहीं ना बनता उनको बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि अब वो तो मेरे पति, उनको नहीं ना बोल पाते हैं। शादी के पहले थोड़ा कहीं आने जाने के लिए हम डरते थे, अगर जाते भी थे तो लेट हो जाता था, जल्दी आने की कोशिश करते थे कि रात ना हो, रात अगर रात हो गया तो डर के आते थे कि कहीं हमें कोई उल्टा सीधा ना बोले। भाई को तो हर चीज़ के लिए छूट दिया गया, भाई पढ़ते लिखते भी थे, हमें कोई एक अच्छा पढ़ाया भी नहीं, बस इसी वजह से कि समाज में कहीं हम आने जाने लगे, कहीं मेरी लड़की से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कोई कुछ बोले ना, बस उस लोगों भी अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत हम लोग थे, इसीलिए कोई हमें बाहर निकलने ही नहीं दिया। और वही हाल शादी के पहले भी है, शादी के पहले हम अपने सास ससुर की और अपने आदमी की इज्जत हो गए, वो लोग भी हमें कहीं आने जाने नहीं देते हैं। बहुत सी औरतें नहीं पढ़ी लिखी हैं, जाहिल हैं, तो घर का काम काज करती हैं, मर्द बाहर का काम काज करते हैं। हाँ हमें पढ़ना चाहिए था, इसलिए कि हम ससुराल अपने गए तो हमारे पति हमें डांटते थे, हमेशा जाहिल ही कहते थे, अब बच्चे किताब उताब लेके पढ़ लिख रहे तो उनकी सब की तरफ हम ताक भी नहीं सकते, इसलिए कि हमें आता ही नहीं है, बताएंगे क्या हो सबको। अभी औरतें तो घर का ही कामकाज करती हैं, खाना पकाना, बच्चे को नहलाना, उनको तेल मालिश करना, और आदमी का काम है बाहर जाके अपना काम करना, दो पैसा कमा के लाना, घर में परिवार को अपने बीवी को देंगी और बीवी खर्चा चलाएंगी अपना, वो हिसाब से। हम तो यही सोचते हैं कि थोड़ा हम भी बाहर की दुनिया देखें, बाहर जाके देखें, हम भी थोड़ा घूमे टहरे, सबको देखें, तब भी हम भी थोड़ा बदल जाएंगे। मेरा पति तो इतना वो कि हमें कहीं बातचीत भी किसी से नहीं करने देते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मर्दों को ही छूट होती है, महिलाओं को छूट नहीं होती उसकी? अभी मर्द का ये छूट यही है कि वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन औरतें की शादी हो जाती है तो वो घूम फिर नहीं सकती, इंजॉय नहीं कर सकती, ये फर्क होता है। महिलाओं के खिलाफ देश में हिंसा बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उल्टा सीधा गलत ही सब केस चलता है, सब बकवास है, फालतू है, आप जब उस पर केयर करिए फिर उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बताइए कि नहीं वाकई में गलत हो रहा है। आपके कहने का मतलब है कि मतलब मर्द गलत नहीं है, औरतें झूठा इल्जाम लगाती हैं? जी हमारा तो मानना यही है। मेरा तो पहले तो यही दिली इच्छा है कि अब हमें छूट दिया जाए तो हम पहले सोचते हैं कि अब पढ़ाइयाँ करें।